गाजा पर रात भर इसराइल ने किए बमबारी। इसराइल की सेना का दावा, हमास के उन आतंकियों को गिरफ्तार किया जो 7 अक्टूबर के नरसंहार में शामिल थे। इसराइल और हिजबुल्ला में तेज हुई है जंग। हिजबुल्ला के हमलों के बाद इसराइल ने कई ठिकानों पर किया स्ट्राइक। इसराइल के हमलों में हिजबुल्ला की 2 लड़ाकों को भी मार गिराने का दावा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में पीएम मोदी की आज ताबड़तोड़ रैली। सुबह और दोपहर में छत्तीसगढ़ के मुंगेली और महासमुंद में करेंगे जनसभा। शाम को मध्य प्रदेश के बड़वानी में रैली। खालिस्तान के समर्थन में कनाडा के पीएम ट्रूडो ने फिर दिया बयान। कहा, हम लड़ना नहीं चाहते लेकिन कानून तो मानना ही होगा। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने किया पलटवार, बोले 2 महीने में कोई सबूत पेश नहीं कर पाया कनाडा। State Justin Trudeau only talks about credible allegations. He is not still presenting any evidence. दीपावली की रात दिल्ली की हवा में दिखा है पटाखों का असर। देर रात का इलाकों में बढ़ा है प्रदूषण। आनंद विहार में सबसे ज्यादा AQI। वेलकम में नेदरलैंड्स को हराकर भारत ने दर्ज की लगातार 9वीं जीत। बेंगलुरु में हुए मैच में नेदरलैंड्स को 107 रन से हराया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी भारतीय टीम को बधाई। महाकुंभ, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही।